वेरी गुड ये वेरी गुड मैडम। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा हम लोग आए हैं सोलांग वैली और अभी हम करने वाले हैं यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़। और आप स्नो देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा है और रास्ता बिल्कुल थोड़ा सा बना हुआ है जो आप देख रहे हो। और तो अभी हम सबसे पहले लेने वाले हैं यहाँ पर ATV बाइक राइड। बहुत ज़्यादा बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, रास्ता कुछ है नहीं ढंग से। रास्ता आपको दिखाती है, देखो ये रास्ता है, इतना सा यहाँ से रास्ता है बस। आ जाओ इधर से निकलो, मेरे को पीछे मत घेर देना भाई। चलो सो गाइस अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ATV बाइक राइड। चलाओ गाइस। सेकंड जो हम राइड कर रहे हैं वो है जिप लाइन। चलो बैठो बैठो। सो गाइज हमने जो जिप लाइन की थी वो आने की और वापस जाने की दोनों ही की थी। तो अभी हम वापस जाने के लिए जो है ऊपर से थोड़ी जिप लाइन लेंगे। उसका जो रास्ता था थोड़ा ऊपर जाकर था वापस जाने के लिए, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। आँखों से पानी आ गया मेरे, भगवान कसम गिरूंगी यार बेबी इसमें तो। अंधेरा हो रहा है बेबी यार। आए, आए। ये रस्सी सी पकड़ लो ना मेरी, गिर ना जाऊं मैं। नहीं गिर, उसको पकड़ना हाथ में। होई होई होई, उसको हाथ में पकड़, इसको तब तो गिरी है, बार लग रहा तेरे को। चलो हाँ यहीं से पकड़ो, चलो पैदल पैदल चलते रहो, आगे अपने आप चल जाएगा। सो गाइस जिप लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं दोबारा ATV बाइक से ही ग्राउंड में जा रहे हैं, जहां पर और एक्टिविटीज़ हो रही है और वो अभी हम करने वाले हैं। सो अभी जो थर्ड राइड हम करने वाले हैं वो है ट्यूब राइड। सो ये है वो रास्ता जहाँ से ट्यूब राइड होगी, तो आप देख सकते हो सामने।
सो गाइज नेक्स्ट जो हम राइड करने वाले हैं वो है स्कीइंग। स्कीइंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ पर जो भैया होते हैं वो थोड़ी आपकी हेल्प कर देते हैं। अदरवाइज आप खुद से अगर स्टार्ट कर दोगे करना तो वो वहाँ पर आप स्लिप कर सकते हो। आगे को धीरे धीरे आगे को पहले से वेरी गुड ये आगे को खड़े नहीं होना मैडम बस आगे को खड़े हो जाओ खड़े करो खड़े आ जाओ भैया वेरी गुड ये वेरी गुड मैडम ठीक है मैडम ओके। सो गाइज हमने सोलांग वैली में इतनी ही एक्टिविटीज़ की थी, उसके बाद ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी तो और एक्टिविटीज़ करने की हमारी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची थी क्योंकि हमें वापस रूम पे भी जाना था और रूम पे जाने के लिए हमें आधा पौना घंटा लगना था। तो इसलिए अभी हम बस मैगी खाने के लिए रुके हैं, उसके बाद हम वापस निकल जाएंगे यहाँ से। गाइज हम वापस जा रहे हैं सोलांग वैली में, हमने बहुत इंजॉय करा और ठंड हमें बहुत ज़्यादा 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 लग चुकी है। कैसा लग रहा है बेबी ड्राइव करके? ओह अमेजिंग एक्सपीरियंस। जाम है ये। गाइस अंधेरा हो गया यार, जाम लगा हुआ था, अभी थोड़ा खुला है। बहुत ज्यादा स्लिपरी रोड है, गाड़ियां आपस में भीड़ रही हैं भाई, आगे पंगा पड़ रहा है बहुत ज्यादा। शायद लेट हो गए, हम टाइम से निकलना था ना। देखिए वहां तक लग रही है, देखिए दिख रही है? हाँ लाइट है, लाइट है तो करके नहीं, मतलब डिस्टेंस पे चल रही हैं गाड़ियां, ऐसे नहीं कि मिला के चला रहे हैं। ये फिसलने वाली गाड़ी है ना, जो फिसलेगी फिर हम, ये क्या हमारी फिसल जाए? सुबह फिसली नहीं थी, फिसल रही थी। सो गाइज हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी हम मनाली में काफ़ी सारे प्लेसेस पर जाने वाले हैं और काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं, तो आप मेरी एक भी वीडियो को स्किप मत करना, एक भी व्लॉग को देखना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।